ये है दोस्तों पोर्ट का स्मार्ट वॉच, जिसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग का, ये चार्ज नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग लगा हुआ है और 5 वोल्ट हमारा ये चार्जर ऑड भी कर रहा है, पर यहाँ पे हमारा देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बैटरी भी ओवर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, इसको ओपन किया है हमने और मदरबोर्ड को हमें बाहर निकालना है और देखते हैं चेक करके क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये बोट का है, कौन सा मॉडल ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बोट का है। तो इसको हम पहले बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे चार्जिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज भी चेक कर रहे हैं, वोल्टेज भी चेक करके हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे कुछ भी आउट नहीं कर रहा है, अगर आउट कर भी रहा है तो ये ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग वगैरह है, तो उसको अभी हम चेक करते हैं। चलिए मदरबोर्ड को पहले बाहर कर लेते हैं। तो ये छोटा सा मदरबोर्ड है, ठीक है, और चार्जिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाइब्रेट मोटर है, इसको हमें पहले हटा देना है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ से हमारा इन होता है, ठीक है, यहाँ से हमारा दोस्तों इन होता है चार्जिंग। ठीक है, ये दोनों चार्जिंग पॉइंट है, एक यहाँ पे चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ही लो है। ठीक है, ये डायोड के कारण भी हो सकता है, तो सिंपली पहले हम इस डायोड को पहले हटाएंगे। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों चार्जिंग आईसी, जो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैल्यू आ गया है जितना मिलना चाहिए, तो डायोड ही शॉर्ट हो गया था और इतना वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम चेक करके देखते हैं। हमने लगा दिया है, अब यहाँ पे चार्जिंग लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग हमारा लेने लगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम था, डायोड शॉर्ट हो गया था यहाँ पे, और उसके बाद ये चार्ज नहीं ले रहा था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।